इस वक्त बड़वानी से बड़ी खबर आ रही है जहाँ केंद्रीय जेल में बंद 50 वर्षीय कैदी की मौत हुई है। इस मौत को लेकर परिजनों ने कई तरह के सवाल खड़े करे हैं। ज्यादा जानकारी बढ़ सकते हमारे संवाददाता सचिन राठौर से। सचिन बताएं क्या है पूरा घटनाक्रम। जी जेठ, हम बताना चाहेंगे, केंद्रीय जेल में लगातार कैदियों की मौत का मामला थम नहीं रहा है। आज और एक कैदी की मौत हुई है। 50 वर्षीय कैदी कान्हा पिता रेवा जिसकी मौत हुई है। हम बता दें 354 के मामले में 6 फरवरी को केंद्रीय जेल में आया था। उसके बाद वहीं पे रह रहा था। परिजनों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। आने से पहले स्वस्थ था। वहीं हमने जेल प्रशासन से इस संबंध में बात करी तो उनका कहना था कि इसे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, इसके चलते इसे जिला अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान इसकी मौत हुई है। इसके पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना पड़ा परिजनों का? हाँ जी भाई, ये सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों को इस मौत की कोई सूचना नहीं दी गई थी। पीएम वगैरह सब हो गया, उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई है। परिजन आए हैं, परिजनों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं जेल प्रशासन पे। कहा है कि पीएम होने के बाद हमें सूचना दी गई है और हम न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए और जो न्याय होगा, न्याय हमारे हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जब हम बताते 354 के मामले में ये 5 लोग जेल में बंद थे, जिसमें से 4 लोगों को भी पीएम के लिए इसी के साथ लाया गया था जिला अस्पताल। मगर जब हमने उन लोगों से बात करना चाहिए तो पुलिस ने हमें बात करने से रोक दिया गया, जबकि उन लोग गाड़ी से उतर के बता रहे थे कि मौत का कारण हम बताते हैं, मौत कैसे हुई। मगर पुलिस ने किसी भी तरीके से उन लोगों से हमें बात नहीं करने दी। जैद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। सचिन जी हमें बता रहे थे केंद्रीय जेल में कैदी की मौत हुई है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।